हेलो क्लास फोर्थ, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 12, द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम हम लोग ऑलरेडी SST की बुक में पढ़ चुके हैं चैप्टर को, और डिटेल के लिए आप वहाँ उस चैप्टर को फिर से एक बार उसकी वीडियो को देख सकते हैं। एंड अगेन हम साइंस में इसको स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम क्या होता है। सोलर सिस्टम पूरी एक फैमिली की तरह काम करता है, जिसका जो हेड है वो सन होता है और उसके चारों तरफ 8 प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन प्लैनेट्स एंड स्टार्स, स्टार्स और प्लैनेट्स में क्या डिफरेंस होता है, एंड अबाउट द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, हमारा जो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट दैट इज़ मून, एंड एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, किस तरीके से दिन और रात जो हैं वो होते हैं, एंड एक्सप्लेन द रीज़न बिहाइंड चेंजेस ऑफ सीजन्स। और आप देखते हैं पूरी साल भर में काफ़ी सारे सीजन्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, ऑटम, स्प्रिंग, विंटर, समर। तो ये चेंजेस जो हैं, सीजन्स के चेंजेस जो हैं वो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और लेट्स स्टार्ट। वी लिव अ वेरी बिग प्लैनेट कॉल्ड अर्थ विच कैट्स इट लाइट फ्रॉम लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन। तो हमें पता है कि सन जो है, सन हमारी जो सोलर सिस्टम की जो पूरी फैमिली है उसका हेड होता है, और उसके चारों तरफ 8 प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, जिनमें से एक प्लैनेट है जिसके ऊपर सिर्फ लाइफ जो है वो पॉसिबल है, एंड दैट इज़ अर्थ, जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं। वो लाइट कहाँ से लेता है? वो लाइट लेता है सन से, लाइट और हीट उसे मिलती है सन से, जिसके चारों तरफ वो रिवॉल्व करता है। अर्थ गोज अराउंड द सन इन अ नियरली सर्कुलर पाथ। अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ पर जो है वो रिवॉल्व करती है, घूमती है, और वो सर्कुलर इमेजिनरी जो पाथ है दैट इज़ कॉल्ड ऑर्बिट, इसके ऊपर वो उसके चारों तरफ घूमती है। इनफैक्ट देयर आर 8 प्लैनेट्स गोइंग अराउंड द सन। हमारे अर्थ को मिला करके 8 प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों तरफ घूमते हैं। एंड द सन हैज़ फैमिली नोन एज द सोलर सिस्टम। और ये जो पूरी फैमिली होती है सन, सन के साथ में उसके 8 प्लैनेट्स जो उसके चारों तरफ घूमते हैं, और इसके अलावा काफ़ी सारी और भी हेवनली बॉडीज़ जो होती हैं जो उसके चारों तरफ घूमती हैं, जिसमें आपके एस्ट्रॉइड, मेटियोर्स सब कुछ आ जाते हैं, जिसको हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ लेट अस स्टडी मोर अबाउट इट। अब हम इन प्लैनेट्स के बारे में, पूरे सोलर सिस्टम के बारे में डिटेल में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द सोलर सिस्टम, द सन एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट ट्रेवल अराउंड इट मेक अप आवर सोलर सिस्टम। हमारा सन और वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो उसके चारों तरफ घूमते हैं, उसके चारों तरफ रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, वो सब मिलकर के बनाते हैं हमारा सोलर सिस्टम। एंड द सन इज़ एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। और जो सन है वो उसका सेंटर होता है, जैसे हमारे घर में एक हेड होता है और पूरी फैमिली जो है वो उसके इर्द गिर्द घूमती है, वैसे ही इस पूरी फैमिली का, सोलर सिस्टम का एक हेड होता है दैट इज़ सन, और बाकी सारी जो हेवनली बॉडीज़ हैं, सारे प्लैनेट्स जो हैं वो उसके चारों तरफ घूमते हैं, है ना। एंड द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज़ अ स्टार दैट गिव्स आर आउट हीट एंड लाइट। तो सन क्या है? सन इनफैक्ट एक स्टार ही है, और वो उससे हमें क्या मिलती है, वो हमें हीट देता है और हमें लाइट देता है। इट इज़ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द एंटायर सोलर सिस्टम। पूरे सोलर सिस्टम में एनर्जी का जो मेन जो सोर्स है वो ये हमारा सन ही है। एंड द हेवनली बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इंक्लूड द 8 प्लैनेट्स। और इसके अंदर सारी हेवनली बॉडीज़ जो इसके चारों तरफ घूमती हैं, जिसके अंदर हमारे 8 प्लैनेट्स भी आ जाते हैं। एंड अ प्लैनेट इज़ अ लार्ज स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। अब प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स एक लार्ज स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ स्टार।
और सन भी हमारा स्टार है, तो सन के चारों तरफ ही ये सारे प्लैनेट्स जो हैं वो क्या करते हैं, घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं। प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन हैव लाइट ऑफ देयर ओन, जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी खुद की लाइट नहीं होती है, दे रिसीव लाइट फ्रॉम देयर स्टार्स, और ये जो प्लैनेट्स होते हैं वो अपने स्टार से ही लाइट जो है वो रिसीव करते हैं, एंड दे व्हेन प्लैनेट रिफ्लेक्ट दिस लाइट फ्रॉम द स्टार दे अपीयर शाइनिंग, और जो लाइट ये स्टार से लेते हैं ये उसी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये हमें कैसे अपीयर होते हैं, शाइनी अपीयर होते हैं, चमकते हुए ये हमें दिखाई देते हैं। ओके, नाउ द एट प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम आउटवर्ड फ्रॉम द सन आर, पूरे जो एट प्लैनेट्स जो हैं जो सन के चारों तरफ घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, उनमें आते हैं आपके कौन कौन से हैं सीक्वेंस वाइज अगर हम बात करते हैं, तो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सम ऑफ द प्लैनेट्स हैव वन और मोर नेचुरल सैटेलाइट्स कॉल्ड मून, कुछ प्लैनेट्स के पास में एक नेचुरल सैटेलाइट है और कुछ जो और कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारे मून्स होते हैं, जो और मून्स जो होते हैं यानी कि जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, जैसे कि हमारे सारे प्लैनेट्स जो हैं वो अर्थ, सारे ही प्लैनेट्स जो हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, इसी तरीके से जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं यानी कि ये जो मून हैं ये अपने अपने जो प्लैनेट्स हैं उनके चारों तरफ ये रिवॉल्व करते हैं। अ नेचुरल सैटेलाइट इज़ अ हेवनली बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट। नेचुरल सैटेलाइट क्या होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट ऐसी हेवनली बॉडी होती है जो कि प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। ओके, नाउ टर्न टू पेज नंबर 112। देखिए यहाँ पर डिटेल में आपके सारे प्लैनेट्स जो हैं वो दिए हुए हैं। द प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, हमारे जो सोलर सिस्टम के अंदर जो एट प्लैनेट्स हैं उनको हम टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट हमारे जो फोर प्लैनेट्स हैं वो आ जाते हैं इनर प्लैनेट्स में, और लास्ट के जो फोर प्लैनेट्स जो हैं वो हमारे आ जाते हैं आउटर प्लैनेट्स में। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर द फोर इनर प्लैनेट्स एंड दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ रॉक्स, और जो स्टार्टिंग के फोर प्लैनेट्स हैं वो सारे प्लैनेट्स जो हैं वो किसके बने हुए हैं, रॉक्स के बने हुए हैं, सो दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और रॉकी प्लैनेट्स, इसीलिए इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स या फिर रॉकी प्लैनेट्स कहा जाता है। और इसके अलावा पीछे के जो फोर प्लैनेट्स हैं यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर द फोर आउटर प्लैनेट्स एंड दे आर मासिव गैस प्लैनेट एंड दे आर कॉल्ड गैस जाइंट, और पीछे वाले जो फोर प्लैनेट्स हैं उनको आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं, ये ज़्यादातर गैस के बने हुए हैं इसीलिए इनको गैस जाइंट्स बोला जाता है। नाउ लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस प्लैनेट्स, यहाँ पर आपको देखिए सभी प्लैनेट्स के डिटेल में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है, इस टेबल को आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको देखिए हर प्लैनेट के बारे में डिटेल में दिया हुआ है, ये हैं प्लैनेट के नेम्स यहाँ पर दिए हुए हैं, उसके बारे में फैक्ट्स यहाँ पर आपको डिटेल में दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मून्स किस प्लैनेट के पास में कितने मून हैं यानी कि नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया हुआ है ड्यूरेशन ऑफ डे यानी कि एक प्लैनेट का एक दिन का अप्रॉक्स टाइम कितना होता है, तो यहाँ पर आप इसको डिटेल में आप इस टेबल को यहाँ पर दिया हुआ है इसको आप अपने नोटबुक में ड्रॉ करेंगे, जिससे आपको पूरी टेबल जो है अच्छे से और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट आपका प्लैनेट आता है मर्क्यूरी, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में नोन एज बुध। मर्क्यूरी इज़ द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन, सबसे सन के सबसे ज़्यादा क्लोज है, सबसे ज़्यादा पास में है, एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, पूरे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा प्लैनेट है, एंड इट इज़ स्लाइटली बिगर देन अर्थ्स मून, ये अर्थ का जो मून है नेचुरल सैटेलाइट जो है उसे थोड़ा सा ही बड़ा होता है, एंड इट्स वेरी हॉट, बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है ये, और इसका टेम्परेचर जो है वो है 430 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग द डे एंड एक्सट्रीमली कोल्ड
-180 डिग्री सेंटीग्रेड एट नाइट, नाइट में इसका टेम्परेचर जो है वो -180 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और इसके पास कोई मून नहीं है। एंड ड्यूरेशन ऑफ डे इज़ 59 अर्थ डे। अगर हम अर्थ के डे से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर इसका जो ड्यूरेशन है वो कितना है, 59 अर्थ डेज। नेक्स्ट जो प्लैनेट आता है सन के, दैट इज वीनस। एंड वीनस इज द सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड द क्लोजेस्ट टू द अर्थ। वो मर्क्यूरी के बाद नेक्स्ट प्लैनेट है और अर्थ के बिल्कुल क्लोजेस्ट है। एंड इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे ज़्यादा हॉट प्लैनेट है और इसका टेम्परेचर होता है 470 डिग्री सेंटीग्रेड इन द सोलर सिस्टम। एंड इट इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई आफ्टर द मून। अगर मून के बाद सबसे ज़्यादा चमकने वाला जो प्लैनेट है दैट इज़ वीनस। एंड इट कैन बी सीन जस्ट बिफोर सनराइज एंड जस्ट आफ्टर सनसेट। इसको सनराइज़ के बिल्कुल पहले और सनसेट से बिल्कुल थोड़ी ही देर बाद हम इसको देख सकते हैं। सो इट इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज मॉर्निंग स्टार और एन इवनिंग स्टार। इसीलिए इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। एंड इसका जो नंबर ऑफ मून है वो ज़ीरो है, यानी कि स्टार्टिंग के जो टू प्लैनेट्स हैं उनके पास कोई भी मून यानी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। और इसका जो ड्यूरेशन है, एक दिन का ड्यूरेशन, दैट इज़ 243 अर्थ डे अप्रॉक्स। एंड नेक्स्ट प्लैनेट दैट इज़ अर्थ, जिस प्लैनेट पर हम लोग रहते हैं, अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड इट इज़ द बिगेस्ट रॉकी प्लैनेट। अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। ये सन से तीसरे नंबर का प्लैनेट है, इस सबसे बड़ा रॉकी प्लैनेट है, बिगेस्ट रॉकी प्लैनेट है और इसका 2/3 एरिया जो है अर्थ सरफेस जो है वो वाटर से कवर्ड है। एंड इट इज़ द ओनली प्लैनेट नोन येट टू हैव लाइट। यही सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है अभी तक जिस पर कि लाइफ जो है वो पॉसिबल है अभी तक। और इस पर नंबर ऑफ मून्स जो हैं वो है 1, यानी कि हमारा जो मून है नेचुरल सैटेलाइट है वो सिर्फ एक ही है। और इस पर ड्यूरेशन ऑफ डे है 24 आवर्स, यानी कि हमारा पूरा एक जो दिन है वो कितने टाइम में पूरा होता है, 24 आवर्स में। नेक्स्ट अर्थ के बाद प्लैनेट जो आता है दैट इज़ मार्स। एंड मार्स इज़ द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन, सन से फोर्थ नंबर पर प्लैनेट आता है ये। एंड द सरफेस ऑफ द मार्स इज़ रेड, जो इसका सरफेस है मार्स का यानी कि मंगल ग्रह जिसको बोलते हैं वो रेड है, बिकॉज ऑफ विच इट इज़ नोन एज द रेड प्लैनेट। और इसी की वजह से इसको रेड प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये रेड प्लैनेट क्यों है, यहाँ पर आयरन ऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये प्लैनेट जो है वो रेड कलर का दिखता है और इसको रेड प्लैनेट कहते हैं। और यहाँ पर नंबर ऑफ मून्स जो हैं वो 2 हैं एंड जो डे का ड्यूरेशन है दैट इज़ 24.6 आवर्स। नेक्स्ट जुपिटर, जिसको हम बोलते हैं बृहस्पति। जुपिटर इज़ द फिफ्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड द फर्स्ट गैस जाइंट। तो जुपिटर जो है वो फिफ्थ नंबर पर आता है सन से और ये सबसे पहला गैस जाइंट प्लैनेट है। एंड दिस गैस जाइंट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट है एंड इट इज़ 11 टाइम्स वाइडर देन द अर्थ। अगर अर्थ से हम कंपेयर करते हैं इसको तो ये अर्थ से 11 गुना बड़ा है। इट इज़ द फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट एंड इट हैज़ अ वेरी स्टॉर्मी एटमोसफेयर। सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट है ये और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्टॉर्मी रहता है, बहुत ज़्यादा आंधी यहाँ पर आंधियाँ जो हैं वो चलती हैं। और इसमें नंबर ऑफ मून्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, यहाँ पर अभी हम देखते हैं 69 मून्स जो हैं वो यहाँ पर अभी दिए हुए हैं। और इसमें ड्यूरेशन जो है वो दिन की वो है 10 आवर्स।
तो देखिए नंबर ऑफ मून्स जो हैं वो टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होते रहते हैं, जैसे जैसे डिस्कवरीज होती हैं नए नए मून्स जो हैं वो मिलते हैं, खोजे जाते हैं और इनके नंबर्स जो हैं वो चेंज होते हैं। आप रेगुलर इसको न्यूज़पेपर अगर रीड करते हैं तो इनके मून्स के नंबर्स देख सकते हैं बढ़ते हुए। और यहाँ पर देखिए अभी अगर आप ढूंढेंगे तो आपको नंबर ऑफ मून्स जो यहाँ पर दिए हुए हैं 69, वो आपके जुपिटर में 79 मून्स अभी आपको मिलेंगे, जिसमें कुछ मून्स को जो है वो नेम दिए जा चुके हैं और कुछ मून्स जो हैं वो अभी ऐसे हैं जिनको अभी नेम नहीं दिया गया है। नेक्स्ट आता है सैटर्न। सैटर्न में भी नंबर ऑफ मून्स जैसे यहाँ पर 62 दिया हुआ है, अभी आप और इसको सर्च आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मून्स इसके भी बढ़ चुके हैं। हो सकता है जो मैं मून्स नंबर ऑफ मून्स आपको बता रही हूँ यहाँ पर चेंज हो। ये 82 मून्स यहाँ पर दिए हुए हैं अभी करंट में, और ऊपर नीचे भी ये हो सकते हैं, तो आप इसको सर्च कर सकते हैं। अब सैटर्न में देखिए, सैटर्न इज़ द सिक्स्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। जो सैटर्न है वो सन से सिक्स नंबर पर आता है, एंड इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट आफ्टर जुपिटर। जुपिटर के बाद सेकेंड नंबर पर सबसे बड़ा प्लैनेट जो है वो सैटर्न है, और इसका ड्यूरेशन जो है वन डे का, दैट इज़ 10.7 आवर्स, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट आफ्टर जुपिटर। सैटर्न इज सराउंडेड बाई सेवरल स्पेक्टिकुलर रिंग्स। सैटर्न जो है ऐसा प्लैनेट है जिसके चारों तरफ आप जो है वो रिंग्स देख सकते हैं, एंड सेवन ऑफ दीज रिंग्स आर क्वाइट प्रोमिनेंट। और इन रिंग्स में से सेवन रिंग्स जो हैं वो काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, प्रोमिनेंट हैं, जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यूरेनस, जिसको हिंदी में बोलते हैं अरुण, एंड यूरेनस इज़ द सेवंथ प्लैनेट फ्रॉम द सन, एंड इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा सोलर सिस्टम के अंदर ये प्लैनेट है, एंड इट्स एनवायरनमेंट इज़ वेरी कोल्ड एंड विंडी। इसका जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड, बहुत ज़्यादा विंडी होता है, एंड यूरेनस हैज़ अ यूनिक मूवमेंट। सारे ही प्लैनेट्स के जो मूवमेंट होते हैं उससे बिल्कुल अलग यूरेनस का मूवमेंट होता है। अनलाइक अदर प्लैनेट्स इट रोटेट साइड वे, एंड दैट मेक इट गो अराउंड द सन लाइक अ रोलिंग बॉल। तो देखिए सारे ही जो प्लैनेट्स जो हैं वो दो तरीके से मूवमेंट करते हैं। एक मूवमेंट तो उनका होता है कि वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, और दूसरा जो मूवमेंट होता है सभी प्लैनेट्स का, वो अपनी ही एक्सिस पर भी जो हैं रोटेट करते हैं। यानी कि अगर हम इनके मूवमेंट की बात करते हैं तो देखिए बाकी सारे प्लैनेट्स जो हैं वो किस तरीके से मूव करते हैं, वो कुछ इस तरीके से अपनी ही एक्सिस पर घूमते हैं, और यूरेनस जो है इसका मूवमेंट जो है वो बिल्कुल यूनिक होता है। जिस तरीके से एक आप बॉल देखते हैं, बॉल ग्राउंड पर किस तरीके से रोल करती है, इस तरीके से रोल करते हुए जाती है ना, तो इसी तरीके से यूरेनस जो है वो भी एक बॉल की तरह आगे की तरफ इस तरीके से घूमता हुआ वो रोटेट करता है। बाकी सारे प्लैनेट्स जो हैं वो जैसे फैन रोटेट करता है, आप देखते हैं घड़ी, घड़ी की जो सुइयां होती हैं वो किस तरीके से घूमती हैं, अपनी ही जगह पर घूमती हैं, वैसे ही बाकी प्लैनेट्स जो हैं वो अपनी ही एक्सिस पर इस तरीके से राउंड राउंड घूमते हुए जाते हैं, जबकि यूरेनस जो है वो आगे की तरफ मूव करता हुआ जाता है। ओके, और यहाँ पर जो एक इसके जो मून है, नंबर ऑफ मून्स जो हैं वो यहाँ पर 27 दिए हुए हैं, और इसको आप नंबर ऑफ मून्स को चेंज होते रहते हैं, इसको आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर हमारा नेपच्यून, लास्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। नेपच्यून इज़ द एट्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन, एंड इट इज़ द विंडीएस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। यहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं जो हैं वो सारे टाइम चलती रहती हैं, एंड इट इज़ अबाउट 4 टाइम्स वाइडर देन अर्थ। हमारे अर्थ से लगभग 4 गुना ये बड़ा है, और यहाँ पर भी नंबर ऑफ मून्स जो हैं वो 13 हैं, और शायद 14 भी हो सकते हैं, आप एक बार इसको चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर ड्यूरेशन जो है वन डे का, दैट इज़ 16 आवर्स। तो ये पूरी टेबल आपको बनाएंगे, आप पूरी टेबल बना करके इन प्लैनेट्स के बारे में डिटेल में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। नाउ टर्न टू पेज नंबर 113, द मून।
मून इज अर्थ नेचुरल सैटेलाइट. मून क्या है? मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट एंड सम अदर प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम ऑल्सो हैव देयर ओन मून. हमने अभी भी पढ़ा कि बहुत सारे जो प्लैनेट्स जो हैं उसमें नंबर्स ऑफ मून जो है किसी में कम किसी में ज़्यादा जो है वो होती रहती है. और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जिसके मून्स हैं दैट इज़ जुपिटर. यहाँ पर जुपिटर में सबसे ज़्यादा मून अभी तक पाए गए हैं. और हमारा जो अर्थ है उसका एक नेचुरल सैटेलाइट है दैट इज़ मून. उसके पास अभी तक सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है. एंड व्हेन वी स्टैंड आउटसाइड इन द सनलाइट ड्यूरिंग द डे वी फील हॉट. देखो जब हम बिल्कुल बाहर ग्राउंड में धूप में खड़े हुए होते हैं तो हम सनलाइट जो है हमारे ऊपर डायरेक्टली हमारे ऊपर आती है और हम कैसा फील करते हैं? बहुत ज़्यादा गर्म हमें फील होता है. क्यों? दिस इज़ बिकॉज द सन इज़ मेड अप ऑफ हॉट गैसेज एंड गिव्स आउट लाइट एंड हीट. तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये जो सन है वो काफ़ी सारी हॉट गैसेज से मिलकर के बना हुआ है जो कि हमें लाइट भी देता है और हीट भी देता है. डू वी फील हॉट व्हेन वी स्टैंड आउटसाइड इन द मून लाइट एट नाइट? क्या हम अगर मून लाइट में अगर खड़े होते हैं रात के टाइम पर तो भी क्या हमें गर्म महसूस होता है? नो, बिकॉज द मून इज़ मेड अप ऑफ हार्ड रॉक्स. जो मून है वो किससे बना हुआ है? वो हार्ड रॉक से बना हुआ है. एंड इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन. इसकी खुद की अपनी कोई लाइट नहीं होती है. ये जो स्टार है यानी कि सन जो है इसी की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन. एंड द मून ऑल्सो हैज़ नो एयर. और इसके अलावा मून के पास कोई एयर भी नहीं है. तो देखिए यहाँ पर क्विक चेक आपको दिया हुआ है. द प्लैनेट दैट हैज़ लाइफ ऑन इट, आपने अभी जस्ट पढ़ा. द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, द प्लैनेट नोन एज मॉर्निंग स्टार, द प्लैनेट नोन एज रेड स्टार, रेड प्लैनेट, द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन, द प्लैनेट दैट हैव 7 प्रोमिनेंट रिंग्स अराउंड इट. अभी हमने डिटेल में सारा कुछ पढ़ा है तो ये क्विक चेक आप खुद से करेंगे जिससे कि क्लियर होगा आपको चैप्टर कितने अच्छे से समझ में आया है. ओके, नाउ मूवमेंट्स ऑफ अर्थ. हमने SST में भी इसको डिटेल में पढ़ा कि अर्थ के 2 टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन मीन्स सारे ही प्लैनेट्स जो हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, दैट इज़ रेवोल्यूशन. और इसके अलावा दूसरे टाइप का मूवमेंट भी सभी प्लैनेट्स जो हैं वो करते हैं. सारे ही प्लैनेट अपनी ही एक्सिस पर भी घूमते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रोटेशन. ओके, सो अर्थ शोज 2 काइंड्स ऑफ मूवमेंट, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. फर्स्ट इज़ रोटेशन. द रोटेशन ऑफ अर्थ इज़ द स्पिनिंग मोशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. तो जो रोटेशन है अर्थ का, अर्थ के रोटेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो अपनी ही एक्सिस पर जो है वो उसका मोशन जो होता है दैट इज़ कॉल्ड रोटेशन. एंड द एक्सिस ऑफ अर्थ इज़ एन इमेजनरी लाइन रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल. और ये एक्सिस क्या है? एक्सिस जो है वो एक इमेजनरी लाइंस होती हैं जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो है चलती हैं. एंड इट इज़ टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री. आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब भी अगर आप देखते हैं तो वो जो है आप थोड़ा सा आपको इस तरीके से झुका हुआ दिखाई देगा. तो अर्थ भी जो है बिल्कुल इसी तरीके से अपनी ही एक्सिस पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है. एंड अर्थ कंप्लीट्स 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स. जो अर्थ है वो अपनी ही एक्सिस पर पूरा जो रोटेशन का जो उसका टाइम है वो कितना है, 24 आवर्स में वो पूरा रोटेशन जो है वो कंप्लीट करती है. एंड दिस रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस कॉजेस डे एंड नाइट. तो अर्थ का जो ये रोटेशन है अपनी ही एक्सिस पर जो वो घूमती है उसकी वजह से ये डे और नाइट जो है वो होते हैं, जिसको आप एक एक्टिविटी के थ्रू अभी हम इसको करके देखेंगे कि किस तरीके से ये डे और नाइट होते हैं. यू नो दैट अर्थ इज़ लाइक अ बॉल. आप जानते हो कि अर्थ जो है वो एक बॉल की तरह है ना. व्हेन अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस हाफ ऑफ इट्स फेस फेसेस द सन. तो जब अर्थ जो है वो रोटेट करती है, घूमती है, तो उसका हाफ पोर्शन जो है
वो तो सन की लाइट को फेस करता है, लेकिन उसका हाफ पोर्शन जो है वो सन लाइट को फेस नहीं करता। दिस हाफ ऑफ अर्थ गेट्स लाइट एंड इट्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डे। और जो आधा पोर्शन, हाफ पोर्शन जो कि सन लाइट को फेस करता है, उस जगह पर क्या होता है, दिन होता है, फॉर्मेशन ऑफ डे होता है। एंड द अदर हाफ ऑफ अर्थ विच फेसेस अवे फ्रॉम द सन डज नॉट गेट एनी लाइट। और बाकी का जो हाफ पोर्शन है जहाँ पर सन रेज नहीं पड़ सकती हैं, यहाँ पे आप पिक्चर में क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो सन या यहाँ आपको ये जो अर्थ है वो दिखाई दे रहा है, अर्थ का हाफ पोर्शन जो है वो अर्थ इसकी सन की रेज को फेस कर रहा है, लेकिन हाफ पोर्शन जो है वो यहाँ पर डार्क है यानी कि नाइट है, और हाफ पोर्शन जो है वहाँ पर डे दिखाई दे रहा है जहाँ पर कि सन रेज जो है वो डायरेक्टली पड़ रही हैं। एंड हाफ पोर्शन जो कि लाइट्स नहीं जिसको मिलती हैं, इट इज़ नाइट इन दिस पार्ट ऑफ अर्थ। और जहाँ पर सन की रेज उसको अर्थ को नहीं मिल पाती हैं, वहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट। इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर सिचुएटेड ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द अर्थ। अगर हम इंडिया और यूएसए की बात करते हैं तो दोनों ही जो हैं कंट्रीज़ बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शंस में हैं, है ना। हमारा अर्थ, हमारा जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, जबकि अमेरिका जो है सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, तो बिल्कुल अपोजिट साइड्स हैं अर्थ पर। व्हेन इंडिया फेसेस द सन, जब इंडिया सन को फेस कर रहा होता है, तो यूएसए इज़ इन द पार्ट ऑफ अर्थ दैट इज़ फेस्ड अवे फ्रॉम द सन। उसी टाइम पर यूएसए जो है वहाँ पर सन की रेज बिल्कुल भी नहीं होती हैं, सन की रेज से वो दूर होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, नाइट होता है, नाइट होती है। दस इट इज़ डे टाइम इन इंडिया, इसीलिए इंडिया में उसी टाइम पर दिन होता है वाइल इट इज़ नाइट इन यूएसए। और उसी टाइम में अगर यूएसए में आप देखोगे तो वहाँ पर क्या होती है, वहाँ पर नाइट होती है। इन द सेम वे व्हेन इट इज़ डे टाइम इन द यूनाइटेड स्टेट, इट इज़ नाइट इन द इंडिया। और बिल्कुल इसी तरीके से जब यूएसए में दिन होता है तो हमारे इंडिया में क्या होती है, हमारे इंडिया में नाइट होती है। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ डे एंड नाइट आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। तो चलिए हम इसको एक एक्टिविटी के थ्रू करके देखते हैं कि किस तरीके से ये दिन और रात जो है वो फॉर्मेशन जो है दिन और रात की होती है। ओके तो देखिए, एक्टिविटी के लिए हमें जो थिंग्स रिक्वायर्ड हैं, थिंग्स रिक्वायर्ड आर ग्लोब, आर टॉर्च, आर रेड मार्क एंड अ टेप। ओके नाउ प्लेस द ग्लोब ऑन द टेबल। हम क्या करेंगे, हमने सारी चीज़ें ले ली हैं, यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए ये है अपने पास ग्लोब। ओके और इसके साथ मैंने टॉर्च भी ले ली है, थोड़ा सा डार्क मैंने रूम को किया है। और यहाँ पर ये देखिए, आपको ये टॉर्च दिखाई दे रही है। ओके सो दिस इज़ टॉर्च, इसमें आपको एक्टिविटी के लिए टॉर्च चाहिए और एक ग्लोब। नाउ हमने टेबल पर इस ग्लोब को रख दिया है। ऑन द पार्ट ऑफ ग्लोब दैट शोज़ इंडिया, अब देखिए हम यहाँ पर इस ग्लोब में देखते हैं इंडिया कहाँ पर है, तो ये देखिए आपको इंडिया दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यू कैन सी दिस, यस। तो यहाँ पर इन्होंने रेड मार्क के लिए किया है, मैंने यहाँ पर ब्लैक मार्क किया है इसको, इंडिया को, तो ये देखिए आपको इंडिया दिखाई दे रहा है, यस, ये मैंने इसको ब्लैक मार्क कर दिया है। तो देखिए ये मैंने इंडिया को ब्लैक यहाँ पर पॉइंट किया है, जो यहाँ पर रेड डॉट डालने के लिए बोला था, मैंने यहाँ ब्लैक डॉट डाल दिया है। नाउ शाइन द टॉर्च ओवर द रेड डॉट। अब यहाँ पर देखिए मैंने ये टॉर्च लिया है और इस टॉर्च को मैंने इस ब्लैक डॉट के ऊपर शाइन किया, क्लियर। ओके नाउ अब हमें क्या करना है, स्लोली रोटेट द ग्लोब फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज। हमें पता है कि अर्थ का जो मूवमेंट होता है वो कैसे होता है, वेस्ट टू ईस्ट। तो अब हम क्या करेंगे, इस जो ग्लोब को वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में हम इसे स्लोली मूव करते हैं। तो देखिए हम मूव कर रहे हैं, यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करेंगे कि अभी आपको ये ब्लैक डॉट जो है वो क्लियरली दिखाई दे रहा है, यू कैन सी दिस,
ब्लैक डॉट क्लियरली, है ना। अब हम इसको वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करना स्टार्ट करते हैं। हमने इसको रोटेट करना स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ब्लैक डॉट है वो दूसरी साइड में जा चुका है। अब ऑब्जर्वेशन क्या निकल कर आएगी, व्हेन द रेड मार्क वॉज लाइटेड, जब हमने उस रेड मार्क को यानी कि ब्लैक मार्क जो हमने लगाया था उसको हमने लाइट डाला, तो पोर्शन ऑफ द ग्लोब कंटेनिंग इट वॉट लाइटेड एज वेल एज एंड हैंस इट्स शो टे। तो उस जगह पर जहाँ पर वो लाइट आ रही थी, आप जो ब्लैक डॉट हमने लगाया था इंडिया के ऊपर, वहाँ पर दिन दिखाई दे रहा था। अब हम अगर दूसरी डायरेक्शन में लेकर जाते हैं इस ब्लैक डॉट को जो हमने लगाया था, वहाँ पर आप देखेंगे कि हमें प्रॉपरली लाइट जो है वो नहीं दिख रही है ना। तो इसका मतलब क्या है कि सन जो कि हमारा यहाँ पर आप देख रहे हैं जो टॉर्च हमने जलाई हुई है, ये क्या है, ये सन है। जब हमने इसको ग्लोब को रोटेट किया तो हमारी डायरेक्टली रेज जो थी वो उस रेड डॉट के ऊपर पड़ रही थी, लेकिन जब हमने उसको रोटेट किया तो ये दूसरी डायरेक्शन में पहुंच गया यानी कि पीछे की साइड में पहुंच गया। यहाँ पे आप इसको क्लियरली इसको नहीं देख सकते, जो ये क्या शो कर रहा है, दिस इज नाइट, है ना, ये नाइट शो कर रहा है यहाँ पर। और जब वापस से आप इसको फिर से धीरे धीरे मूव करोगे, और मूव करने के बाद वापस से आप इसको आगे की तरफ लेकर के आएंगे, ये देखिए अब आप देख सकते हैं ये डॉट जो है, जो हमने ब्लैक डॉट दिखाया लगाया हुआ था, वो हमें क्लियरली यहाँ पर शो हो रहा है। इफ़ यू कंटिन्यू टू रोटेट द ग्लोब द रेड डॉट विल कम बैक इनटू लाइट। हमने वापस से इसको रोटेट किया और वो जो डॉट था जो हमने, मैंने ब्लैक डॉट इसलिए लगाया जो क्लियर आपको यहाँ पर ये दिखाई दे सकता है, तो हमने यहाँ पर इसको रोटेट किया और ये वापस से लाइट में यहाँ पर हमें क्लियर विजिबल हो रहा है। दिस इज एग्जैक्टली हाउ डे एंड नाइट अकर ऑन द अर्थ। तो इस एक्टिविटी से आपको क्लियरली समझ में आएगा कि किस तरीके से अर्थ पर डे और नाइट होते हैं, यानी कि हमारी जब सन की रेज जो है हमारे जिस पोर्शन पर ग्लोब जो है वो क्या है, इसी शेप में हमारा अर्थ होता है, तो जिस पोर्शन पर हमारी सन की रेज डायरेक्टली जहाँ पर फेस करेंगी, जितना पोर्शन फेस करेंगी वो वहाँ पर क्या होगा, डे होगा, और जो पोर्शन डार्क में होगा यहाँ पर सन की जो रेज है वो फेस नहीं कर रहा होगा, वो पोर्शन वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर नाइट होगी। तो क्लियर है आपको ये एक्टिविटी के थ्रू। देखिए इस तरीके से आपने पढ़ा रोटेशन जो है, रोटेशन से किस तरीके से डे और नाइट जो है उनकी फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट आता है रेवोल्यूशन, कैसे रेवोल्यूशन की वजह से हमारे जो हैं सीजन्स जो हैं वो चेंज होते हैं, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आज आपका होमवर्क क्या है, आपको करना क्या है कि ये जो एक्टिविटी मैम ने अभी आपको कराई है इसको आपको अच्छे से अपने घर पर एक्टिविटी को करना है, ओके। और साथ में आपको ड्रॉ करना है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को कम्प्लीटली आप जो आपकी लेफ्ट साइड का पेज है यानी वाइट शीट जो है उस पर आप ड्रॉ करेंगे, और उसके साथ राइट साइड के पेज पर आपको ये टेबल जो है वो प्रॉपरली ड्रॉ करनी है, ओके। नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय।